हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लेटेस्ट अपडेट और ये सेक्शन 3 का आज हम अपडेट देखने वाले हैं, जो कि बड़ोदरा से बिरार तक 354 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोस्तों। और आज हम देखने वाले हैं पैकेज 5 का लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो अपडेट दिया था भरूच सेक्शन का, उसमें दिखाया था मैंने आपको पैकेज 4 का लेटेस्ट अपडेट। पैकेज 4 की बात करूं तो वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैकेज 5 का, जो कि पूरी तरह से दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रख रखा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां से लगता है पैकेज 5। आप देख सकते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो काम पड़ा हुआ है, यहां से पूर्ण गांव से और कीम इंटरचेंज तक दोस्तों पैकेज 5 में आता है। और पैकेज 4 जो कि आपको कंप्लीट काम आगे तक दिख रहा होगा दोस्तों, और आगे है भरूच का इंटरचेंज, वहां से आगे तक ये पैकेज 4 लगता है दोस्तों। पैकेज 4 का काम पूरी तरह से कम्प्लीट हमको नज़र आ रहा है। और अभी हम वापस चलते हैं कीम इंटरचेंज की साइड पर, और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों 25 किलोमीटर तक का काम इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और इस जगह से मैं स्टार्ट करता हूं, यहां से लगता है पैकेज 5 जो कि पूर्ण गांव से और कीम इंटरचेंज तक का फुल अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि काम कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक अनकम्प्लीट है, वो कितना हो गया दोस्तों और कितना बाकी है, इसी वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि ये स्टार्ट होता है DND फरीदाबाद से, और ये कनेक्ट करता है नवी मुंबई के JNPT को। दोस्तों 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है, 4 सेक्शन में टोटल 52 पैकेजेस आने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैकेज 5 का। गुजरात में टोटल इसके पैकेजेस की बात करूँ तो 13 पैकेजेस होने वाले हैं बड़ोदरा से बिरार तक सेक्शन 3 का। आज हम जो अपडेट देख रहे हैं दोस्तों सेक्शन 3 और पैकेज 5 दोस्तों गुजरात में इसके काम की बात करूँ तो काम इसका लगभग कंप्लीट हो गया है भरूच तक, यानी बड़ोदरा से और भरूच तक इसका फेज 3 भी चालू कर दिया गया है। और ये जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, ये 5 राज्य से होकर गुजरने वाला है दोस्तों। ये स्टार्ट होता है दिल्ली से, और ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 5 राज्य से होके गुजरने वाला है, जिसकी टोटल लेंथ 1350 किलोमीटर होने वाली है दोस्तों। जब यह रूट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो दिल्ली से और मुंबई तक की दूरी 1350 किलोमीटर है, जो कि हम लोग 12 घंटे में इसको पूरा कर सकते हैं जब ये पूरा चालू हो जाएगा। Thank you.
दोस्तों जैसे कि हमने पीछे देखा था इसका अर्थ वर्किंग का काम और कहीं कहीं पे इसकी PQC की फर्स्ट लेयर को भी डाल के कम्प्लीट कर दिया गया है दोस्तों। और अभी मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ इसका पैकेज 4 का अपडेट, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर इसका केबल ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों, उसका भी नज़ारा हम आप इसी वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कहीं कहीं पे इसकी फर्स्ट लेयर का भी काम कंप्लीट जैसा नज़र आ रहा है हमको, और आगे तक देखेंगे ये काम कहां तक कंप्लीट है दोस्तों। और कहीं कहीं पे इसका अर्थ वर्किंग का भी काम चालू है, ये पार्ट्स में इसका काम किया जा रहा है। और ये पैकेज सबसे लंबा पैकेज है दोस्तों, 25 किलोमीटर का ये पैकेज है, जो कि पून गाँव से स्टार्ट होता है और ये कनेक्ट करता है कीम के इंटरचेंज को दोस्तों। तो इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कीम का इंटरचेंज, जो कि NH-48 के ऊपर उसका ब्रिज का काम दोस्तों काफ़ी जोरों शोरों में किया जा रहा है, उसका भी अपडेट हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह को लेवल वगैरह किया जा रहा है और यहाँ पे अर्थ वर्किंग का काम चालू है दोस्तों। और आगे दोस्तों भारतीय की रेलवे लाइन है उसको क्रॉसिंग करते हुए इसका काम काफ़ी जोरों शोरों में किया जा रहा है, वहाँ पे भी इसका ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों, वो भी हम इसी वीडियो में देखने वाले। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है भारतीय की रेलवे लाइन, जिसको क्रॉसिंग करते हुए इसका काम काफ़ी जोरों शोरों में किया जा रहा है। और ये पैकेज 5 का हम अभी अपडेट देख रहे हैं और आगे ये सीधा जाता है कीम इंटरचेंज को कनेक्ट करेगा दोस्तों, और इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कीम इंटरचेंज का लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं दोनों साइड से गार्डर लॉन्चिंग का भी काम दोस्तों चालू कर दिया गया है, और सामने आप देख सकते हैं पिलर 1 के कंप्लीट हो चुके हैं, अभी इस पे गार्डर लॉन्चिंग का काम किया जाएगा। और ये आगे आप देख सकते हैं आगे कहीं कहीं पर इसकी मतलब फर्स्ट जो लेयर होती है उसका काम कम्प्लीट हो गया है, कहीं कहीं पर इसका अर्थ वर्किंग का काम चालू है दोस्तों। फ्रेंड्स दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसको 1,00,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 6 राज्यों से होके गुजरने वाला है दोस्तों, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 6 राज्यों से गुजरने वाला ये एक्सप्रेसवे जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत जैसे कई अन्य सिटी को दोस्तों ये कनेक्ट करने वाला है। जब ये पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस पर ट्रैवल कर सकेंगे दोस्तों। दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यह एक्सप्रेसवे एशिया में पहला और दुनिया में दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें अन्य जीवों की बिना रोक टोक आवाजाही की सुविधाओं के लिए पशु पुल, अंडरपास की सुविधाएँ भी इसमें शामिल है दोस्तों, अन्य जीवों और 5 हवाई पुल ओवरपास बनाए जा रहे हैं दोस्तों इसमें। फ्रेंड्स दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि 8 लाइन का होने वाला है, और जैसे जैसे भविष्य में इसकी ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ती जाएंगी दोस्तों, उसी के हिसाब से इसको 12 लाइन का कर दिया जाएगा। और अभी से जगह को उसी हिसाब से मेंटेन किया गया है कि आगे भविष्य में इसको 12 लाइन तक कनेक्ट कर सकें दोस्तों।
तो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कीम इंटरचेंज के पास और यहां पे आप देख सकते हैं कीम इंटरचेंज के अगर काम की बात करूं तो काम यहां पे काफ़ी ज़ोरों शोरों में दोस्तों किया जा रहा है। और सामने है NH 48 हाईवे, उसको क्रॉसिंग कर लिए। ब्रिज का काम है वो भी काफ़ी तेज़ी से दोस्तों किया जा रहा है। दोनों साइड के पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं दोस्तों और गार्डन लॉन्चिंग का भी काम दोस्तों किया जा रहा है। और ये है कीम इंटरचेंज का नज़ारा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा पूरा 25 किलोमीटर का काम देखा हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। और ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और जुड़े रहना हमारे चैनल से ताकि इसी तरह के नए नए अपडेट आपको देखने को